अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर, और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के 17 चैप्टर फिज़िक्स ऑफ सॉलिड से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सेकेंड ईयर फिज़िक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर तमाम चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। कुछ लेक्चर मिसिंग हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये कंप्लीट किया था अपना कोर्स, तो स्मार्ट सिलेबस था, और उसमें चैप्टर नंबर 16 से आगे हमारे कुछ लेक्चर मिस थे। तो वो जो लेक्चर मिस थे उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है जी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि मैटर जो है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है जी। ये एक बहुत कॉमन सा तकरीबन एक कॉन्सेप्ट है जो सबको ही पता है। प्लाज्मा वगैरह ये बाद में आती हैं सारी चीज़ें। तो आज बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट जो है मैटर की, उसकी आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे लेक्चर का जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, बुनियादी तौर पर सॉलिड को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, फिर हम अमॉर्फस सॉलिड को डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम पॉलीमर सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी हम फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों, इन सॉलिड्स की जो सबसे खास बात है वो है इन सॉलिड्स का ऑर्डर। इन सॉलिड्स के अंदर आपको रेगुलर अरेंजमेंट्स मिलती हैं। एटम या मॉलिक्यूल एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ अरेंज हुए होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक टू डायमेंशनल एग्जांपल दूँ, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन सॉलिड्स के अंदर, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है जी, और ये मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। ऐसे ही ये प्लेन्स जो हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेंगे। थ्री डायमेंशन में ये रेगुलर ऑर्डर आपको मिलेगा, थ्री डायमेंशन में आपको ऐसी ही अरेंजमेंट मिलेगी। तो इसकी वजह से, इन रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से, इस ऑर्डर की वजह से, ये जो हमारे क्रिस्टल्स हैं इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है। अब क्रिस्टल की जो शेप है, इससे मुराद ज्योमेट्रिक शेप है। बच्चों, ये ज्योमेट्रिक शेप कैसी होती है? कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, इस तरह का होता है, ठीक है जी। कुछ हमारे पास ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो मोनोक्लिनिक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्राइक्लिनिक होते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है जी। तो इनकी जो शेप, डेफिनेट शेप है, उससे मुराद स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है। वैसे भी अगर आप इनको देखें तो इनकी डेफिनेट शेप भी होती है और इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। बच्चों, इन एटम्स के दरमियान, ये जो आपको एटम्स या मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिन्हें कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ही ये एक खास स्ट्रक्चर हमें इनमें नज़र आता है। बच्चों, हमें यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये एटम्स या मॉलिक्यूल अपनी जगह पर स्टेशनरी हैं, इनकी ये पोजीशन फिक्स्ड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इवन रूम टेम्परेचर्स पर भी ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनकी जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, इसकी वजह से इनकी पोजीशन एक फिक्स पोजीशन नहीं होती, बल्कि जब हम फिक्स पोजीशन की बात करते हैं तो उससे मुराद होता है एक एवरेज पोजीशन। तो यहाँ पर जो पोजीशन हम कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स की, वो एक एवरेज पोजीशन होती है। लेकिन बच्चों, अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और वाइब्रेशंस जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें तो एक ऐसी लिमिट भी आती है जब इन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेज हैं उन पर ये काबू पा लेते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन के, यानी कि वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में। नतीजा क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक कर जाता है, और हम कहते हैं कि हमारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो गया, ठीक है जी।
उसकी जो फेज ट्रांजिशन है वो हो गई, वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो गया, ठीक है जी। तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के ऊपर ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट। अब मज़े की बात ये है कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प या डेफिनेट होता है, यानी कि उसकी एक वैल्यू होती है फिक्स। मसलन हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड है, या हम ये कह सकते हैं जी 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप देख लें कि इसमें एक वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, एक शार्प या एक डेफिनेट वैल्यू है, इसलिए कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। बच्चों इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, यानी कि ये एक्चुअल सॉलिड्स हैं जो सॉलिड की डेफिनेशन पर पूरी तरह से पूरा उतरते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं ट्रू सॉलिड्स की या क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अगर हम देखें मेटल्स में तो हमारे पास आयरन है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास जिंक है। इसके अलावा अगर हम आयनिक कंपाउंड्स के अंदर देखें तो हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड हमारा जो खाने वाला नमक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो दूसरे सॉलिड्स हैं दे आर अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस का मतलब ही होता है विदाउट फॉर्म या स्ट्रक्चर, यानी कि इनके अंदर जो इनके अंदर जो ऑर्डर जो हमें नज़र आया यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो ऑर्डर यहाँ पर नहीं होगा, ऑर्डर मिसिंग होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर मौजूद हो लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हो, ऑर्डर मौजूद हो लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, या शॉर्ट टर्म ऑर्डर आप इसे कह सकते हैं। जिस तरह लॉन्ग टर्म ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर है, इस तरह से लॉन्ग टर्म ऑर्डर यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर डिसऑर्डर है। एटम्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो थ्री डायमेंशन में ऑर्डर आपको नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑर्डर आपको नज़र नहीं आता। यही वजह है कि इनकी कोई ख़ास ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती। जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर था वो क्यूबिक उनकी शेप हो सकती है, उनकी रोम्बिक, हेक्सागोनल, क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती अमॉर्फस सॉलिड की। अमॉर्फस सॉलिड को हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। आगे चल के ज़रा हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। बच्चों इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो रेंज्ड होते हैं। रेंज्ड से मुराद ये कि शार्प या फिक्स नहीं होते, यानी कि रेंज से आप यूँ मुराद ले सकते हैं कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्टिंग पॉइंट है। अब इस टेम्परेचर में, इस रेंज में किसी भी टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, हमारा जो मटेरियल है वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डेफिनेट नहीं है, बल्कि एक रेंज्ड में है, एक रेंज में है, इसलिए कहते हैं रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो जो ग्लास हमारा जो ऑर्डिनरी आम ग्लास है शीशा, इसको आप एग्जांपल ले सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड की। जब आप ग्लास को नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो हमारा ग्लास जो है वो सॉलिड ही होता है, लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये पहले एक सॉफ्ट पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ जब टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बच्चों ये मेल्ट होकर एक थिक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कोई भी ज़्यादा विस्कोसिटी वाला हनी, जिस तरह हनी की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, तो एक हाई विस्कोसिटी वाले फ्लूइड की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है। इसलिए इन सॉलिड्स को हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, या इनको लिक्विड्स भी कहते हैं, ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन हुआ होता है। तो बच्चों अमॉर्फस सॉलिड डिस्कस हो गया। इसके बाद हमारे पास सॉलिड की तीसरी टाइप है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर सॉलिड। अब जो पॉलीमर सॉलिड्स हैं, हमने पीछे दो सॉलिड्स डिस्कस किए, एक में फुल ऑर्डर है थ्री डायमेंशन में, और अमॉर्फस के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं। जो पॉलीमर सॉलिड्स हैं ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर वाले हैं, यानी कि यहाँ पर आप कह लें कि ये ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान है। आप यूँ कह सकते हैं कि इनका ऑर्डर अमॉर्फस से ज़्यादा है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड से कम होता है। बच्चों इनको हम पुअर या पार्शियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही हैं लेकिन पुअर क्रिस्टलाइन या पार्शियल, मुकम्मल तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह नहीं होते। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बच्चों पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल केमिकली जब आपस में मिलते हैं, ठीक है जी, तो वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है, उन इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और इससे इस प्रोसेस के बाद हमें जो कंपाउंड मिलते हैं उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। हमारे पास दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक पॉलीमर्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, इसके अलावा मैन मेड पॉलीमर्स भी हैं जिसे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं।
बच्चों इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो होती है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, क्योंकि पिछले पूरे सिलेबस में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करवा देते हैं। बच्चों इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ऐसे आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मटीरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटीरियल। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब हम मेजर करते हैं तो एक हमारे पास रेफरेंस मटीरियल होता है। अब जिस मटीरियल की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी माप रहे होते हैं उस मटीरियल की डेंसिटी को हम रेफरेंस मटीरियल की डेंसिटी के साथ डिवाइड करते हैं। इस रेशो का जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ लिक्विड्स में। बच्चों लिक्विड्स में जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है ना वो वाटर है। अब किसी भी लिक्विड की जब स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी होती है ना तो उसकी डेंसिटी को उस मटेरियल उस लिक्विड की डेंसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ऑयल की डेंसिटी जो है वो मैं ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करूँ तो मैं क्या करूँगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि लिक्विड्स के अंदर वाटर को रेफरेंस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो लो होती है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है बच्चों वो ज़बरदस्त होती है। अब ये स्ट्रेंथ टू वेट रेशो क्या होती है, किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है हमारे पास उसको डिवाइड कर दें उसकी डेंसिटी के ऊपर, तो इससे जो हमें फैक्टर मिलता है उस फैक्टर को कहते हैं स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ठीक हो गया। तो इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या इनकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कम है। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स में हमारे पास पॉलीथीन है, हमारे पास जो है वो नायलॉन है, ठीक है जी, और भी बहुत सारे पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हमारे पास हैं, पॉलीस्टेरीन है, ठीक है जी। तो ये थे बच्चे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। अभी एक चीज़ हमारी रह गई है और वो है हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल लैटिस। बच्चों क्रिस्टल लैटिस का जो ताल्लुक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स भी होती हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम लिए हमने, क्यूबिक, ऑर्थोगोनल, सॉरी ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है जी, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक वगैरह वगैरह। तो क्रिस्टल लैटिस बनता किस तरह से, ज़रा हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। अब अगर यहाँ पर मैं इसको थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड कर दूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है बच्चों, ये एक सेल बन गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो सेल जिसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, मिनिमम वॉल्यूम वाला जो सेल है उस सेल को हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इस यूनिट सेल की रेपिटेशन से बन रहा है, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर थ्री डायमेंशन में आप जिधर भी देखेंगे आपको यूनिट सेल ही नजर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर यूनिट सेल से मिलकर बना है, यूनिट सेल इसकी फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट सेल इसकी बुनियादी इकाई है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल की रेपिटेशन से जो स्ट्रक्चर हमें हासिल होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये यूनिट सेल जो है इनकी डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप हो सकती है, मिसाल के तौर पर ये क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है जी, ये क्यूबिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका यूनिट सेल क्यूबिक होता है, इसमें सोडियम आयन जो है वो आपको यहाँ पे कॉर्नर्स पे मिलता है, ये जो कॉर्नर्स पे है आपके पास ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन पड़ा हुआ है, ठीक है, और इन एजेस के ऊपर आपको क्लोरीन आयन मिलता है, ये आपका क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो ये यूनिट सेल है NaCl का, पूरा NaCl का स्ट्रक्चर जो है वो इसी यूनिट सेल की रेपिटेशन से थ्री डायमेंशन में बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारा लेक्चर था इस चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर जो कि पहले हमने नहीं बनाया था स्मार्ट सिलेबस की वजह से,
तो आई होप कि ये लेक्चर आपको आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।